सियासत च आउण दा तुहाडा मन किवें होया? क्योंकि मैं ना दिल्ली च काम करदी हां, उत्थे मेरे नाल यूपी दी टीम भी हुंदी है, मुंबई दी टीम भी, दिल्ली दी भी टीम हुंदी है, राजस्थान, उह सारे बड़े हैरान होए कि भई सिद्धू मूसेवाला पॉलिटिक्स च किवें आ गया, कांग्रेस किवें ज्वाइन कर ली। नहीं, पॉलिटिक्स दे विच आउणा ओही गल है ना जी, आपां सारे यही गल कहने भी पॉलिटिक्स क्यों आया, किवें आ गया। पॉलिटिक्स भी वधिया कीता है जिहनू करना, मैं तां इस चीज़ च शौक लई आया, ठीक है। मैनू, मैं फ्री हुंदा, मैनू उदां कई बंदे हुंदे मेरे जिहड़े कम हुंदे ने रुक जांदे ने, मैनू तां उदां इस चीज़ दा शौक है, है ना, ठीक है। मैं पिंड दी सरपंची भी करी है ना, सो मैनू ये हैगा भी चल किसे ना किसे दा सहारा बनिया जावे। सिंगिंग तां मेरी चली जांदी है, ठीक है, कुछ ना कुछ है ना आसे पासे प्रॉब्लम सीगियां जिहड़ियां रीज़न बनियां। मैं कोई ये नहीं हैगा भी मैं अज उही बस उठिया तो मैं कांग्रेस ज्वाइन कर ली। मैं 1.5 साल 2 साल हो गए मैं इस चीज़ से सोच रहा है ना, इहदा इस चीज़ का हल की है भी आपां की करना चाहिए, क्योंकि इतने साड़ियाँ कई समाजिक प्रॉब्लम्स ने, तो वह कितने कितने मैनू भी उन्होंने चीज़ों ने परेशान करने की कोशिश की, तो मैंने लगे भी कितने कितने इन्होंने चीज़ों में सुधार होना चाहिए। उन्होंने चीज़ों का सुधार आप ही कर सकते हैं इन्होंने चीज़ों के बढ़ाएंगे, है ना, दूर बह के जो इतों भज के जो कितने होर किसी मुल्क रहने लग जाइए, सो कोई हल नहीं है। सो हैव टू यानी कि अपन कोई भी चीज़ जो आप सिस्टम के कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हैं तो फिर आपको वह पार्ट बन के बदल सकते हैं, दूर रह के नहीं जी। पॉलिटिक्स डर्टी गेम है, ये आम लोगों च परसैप्शन है, तुम भी यही मानते हो कि जो तुम बाहर से तुम्हारे गाने तो भी असं सीखा कि लीडर ने हकदार गोली दे, लीडर ने बनाने ग्रांटा दे, लीडर बनाने दे के आटा इन्हों वोटा लेके मारते चपाटा इन्हों, पता नहीं जमीर उदो कित बोलते नहीं, शर्म का घटा इन्हों। हाँ जी, हाँ जी, सो ये पता की गल है हुण, उही गल है भी आपां कहने भी हुण मैं कहा भी ये डर्टी है गेम, कल भी मैं कहा उत्थे रैली उत्थे भी कहा भी ये गंदा है, ये गंदा बनाया किन्हां ने, गंदे लोगों ने बनाया। पेशा कोई नहीं माड़ा हुंदा, है ना, पेशा जे कोई कहने हुंदे इमानदारी नाल जे कोई प्रोस्टिट्यूशन भी करदा ना, उहदे लई पेशा उहदी रोटी है, ठीक है। होर लोगों लई हो सकदा भी वह माड़ा हो सकदा, पर भी जिहड़े जे हुण मान लो आह पेशा है, पेशे नूं माड़ा करन वाले लोग कौन ने, करप्ट लोग ने थोड़े बहुत, है ना, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬਾਂ ਖਾਤਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਇਹ ਘਟੀਆ ਇਹ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕੋਸਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ 2017 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਈ 2017 ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕੀ ਬਚ ਜਾਣਗੀ ਪਾਰਟੀ? ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਇੱਕ MLA ਜਦੋਂ ਖੜਦਾ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 6-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, 20 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਲਾਣਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਚੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕੋਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਤਰ ਵੀ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 200 ਹੋਣਗੇ, 250 ਹੋਣਗੇ, 300 ਹੋਣਗੇ, 4000 ਹੋਣਗੇ, 5000 ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਮ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ 5000 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਊਂ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੋਤਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਾਰੂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨੜੇ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਚਾਬੀ ਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 6-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਕਰੂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਟੀਏ, ਕਿਉਂ ਘਟੀਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ
ना पैसा लवा तेथों ना तो शराब पीव पर जे मेरा कदे काम अड़ गया मैं बाहू बटा दू तेरी। सो ए रलमा मिलमा सिस्टम है जी, ए कुछ परसेंट लोग होंगे मैं बनती है नहीं कुछ परसेंट होंगे पर 2017 च तां लोगों ने बड़े चा दे नाल बड़े मुद्दियां ते सरकार बनाई सी, बेअदबी दा मुद्दा, ड्रग्स दा मुद्दा, नौकरी दा मुद्दा, तुहाडे हिसाब दे नाल तुसी भी बतौर वोटर अगर देखो तुहाडे किन्ने को मुद्दे हल हो पाए ने। मैं किसी पार्टी का नहीं कह रही, अगर तुसी कांग्रेस ज्वाइन कीती मैं उस पार्टी का नहीं कह रही, फिर 2017 च जिन्ने चा दे नाल जिन्नियां उम्मीदां दे नाल लोगों ने सरकार बनाई तुसी कह रहे हो कि पैसे दे के लोग वोट दे दिंदे ने, शराब लैके लोग वोट दे दिंदे ने, पर ओ कुछ परसेंट लोग हो जो सुन रहे हो कह रहे हो कि सारे ओह जे नहीं होंगे है ना, मतलब साढ़े भी परिवार ने साडे रिश्तेदार ने वो इस तरह वोट नहीं पाते, उम्मीदा ना पाते ने कि जस्टिस हो पाए लोगों नाल 2017 च जिहड़ी सरकार आई। एक गल समझावा तुसी किसी होर दुनिया च रहने हो, मैं किसी होर दुनिया च रहना ठीक है ना, जे तुसी मेरे वांगू इत्थे पिंड रहो इत्थों दे हालात देखो हल्का वाइज देखो, तुसी कहने कुछ परसेंट, मैं थोनू परसेंट तुसी ऐतकी इलेक्शन च रहो मेरे नाल ठीक है ना, थोड़ा मैं दिखाऊंगा भी कुछ परसेंट है कि किन्ने का परसेंट है। दूजी गल है मसले हल होने दी ठीक है, एक सरकारी ढांचा हूँ मैं पहला लोग कहने ना हूँ पिंड का मैं सरपंच बनया, मैंने ऐसे भी आप ग्रांटा लियानी है चक चक फलाने बंद मंत्री अपने लिया जा फलाने मंत्री लिया जा आप ग्रांट लियानी है आप पिंड च वंड देनी है, ग्रांट लैके आने का ना एक प्रोसीजर है ठीक है ना, जो थोड़ा मैं कल एक जिले का प्रोसीजर समझावा ना, मान लो लख रुपये आप किसी चैक देना है, जो चैक देना वो पता किनिया फॉरमैलिटीज़ ने, सब तो पहला डीसी साहब सेंक्शन करेंगे एडीसी नू, डीसी साहब के अकाउंट एडीसी के अकाउंट चाहूगा, एडीसी की कहूगा अपने बीडीपीओ नू भी जाके भाई पिंडा चैक कर सैकटरी ड्यूटी ला भी कि पिंड च की कम होने वाले ने, वो पिंड वाले फिर प्रपोजल बनाएंगे ठीक है ना जी, पिंड वाले ने प्रपोजल बनाती, पिंड वाले ने प्रपोजल बना के फिर सैकटरी नू देती, सैकटरी ने बीडीपीओ नू जमा करवाती, फिर बीडीओ वो कहूगा पिंड वाला भी भाई मेरा एक लख का कम नहीं मेरा है 3 लख का कम, मैं 3 लख रुपया चाहिए, वो कहना भी फिर है ठीक है जेई नू भेजो उत्थे, जेई जाके चेक करता है भी भाई यदा कम सच्चे 3 लख का, फिर जेई कहना कहना नहीं जी ये कम 3 लख का नहीं ये 2.5 च भी हो सकता है, फिर जाके फिर एडीसी को जाता है, फिर एडीसी उन्हें सैक्शन करता है, ये एक छोटी जी ग्रांट एक पिंड लैवल की ग्रांट का एडा मसला है ठीक है, यहोजा सिस्टम है, तो जो उपरों लैके नीचे तक ठीक है सर पिंड के लोगों ने सरपंच बनाना है, सरपंचा ने गां एमएलए बनता है ना, एमएलए तो गां सरकार बनती है, सरकार तो गांह मुख्यमंत्री बनता है, तो ये देखो किड्डा वड्डा सिस्टम है, सिर्फ एक सरपंच दा ते डीसी दे विचाले किन्ना प्रोसैस है ना, भी जदों आपां किसे सिस्टम दे विच वड़दे आ ना साडा ढांचा इन्ना पुराना हो चुक्या है भी सगों दी इहनां कोल एक इहो जिहा सिस्टम अख्तियार करना चाहिए भी यार कम तां ऐ होणा, साडे लिखती पढ़ती फॉरमैलिटी इन्नी है उहदे च इन्नियां कु कुंडियां ने भी तुसीं देख नहीं सकदे, हुण क्लब नूं किसे नूं पैसे देणे हुण क्लब नूं सगों नहीं पैसे ऐ चाहिए भी 1 लख रुपया भाई तू जो लैणा लै सानू इहदा एसटीमेट सानू बस रसीदां चाहीदियां पक्कियां कित्थे कित्थे, हुण उह कहिंदे ने भी नहीं पैसे इन्ने आ गए पर समान असीं लै के देवांगे, वो असीं क्यों लै के देना क्योंकि उहदे च थोड़ी बहुती कुंडी है, हरेक छोटे तो लैके छोटे लैवल की कुंडी है इत्थे ना, हुण तुसीं कहिंदे बेअदबी मसला बहुत बड़ा मसला है, पहली गल तां मैं कहिंदा असीं सारे इन्ने अदने आ असीं गुरु साहिब नूं इंसाफ नहीं दवा सकते, उहने इंसाफ लैणा उह आप ही लै लो ते जिन्हां तों लैणा बाह नूं बटा दे के लो, जिद्दण लिया सारी दुनिया नूं देखो वो भी हाँ लै लिया उन्हों का माड़ा करके, पहली गल तो किसी च इन्नी शक्ति नहीं भी उन्होंने माड़ा कर सके कोई ठीक है, दूजी गल वो एडा माड़ा नहीं साडा रब साडा गुरु साहिबान उन्हें आपदा आपदा इंसाफ आप लैना साडे वर्गी इंसाफ लवाउणगे उन्होंने, तीजी गल भी जिहड़ियां इह गल्लां ने इन्हां ते सियासत हुई है, पहला यह गल्लां सियासत लई कीतियां जांदियां फिर उन्हां नूं इंसाफ दवाउण लई सियासत करी जांदी है, इह साडे लोकां नूं हाले तक समझ नहीं आउंदी, परसों संत पिंदरपाल सिंह जी नूं मैं सुणदा मैं उन्हां नूं एडमायर करदा है ना, उन्होंने कहा कहना भी तुसी आपो अपने गुरु घर दीआं भाई रखवालियां करो, यह कोई थोड़े धार्मिक ना कोई होर धर्म का बंदा थोनू परेशान कर नहीं, सिर्फ एजेंसियां ने थोनू प्ले आउट कर रही ने धर्म का डंका बजा के, सानू पहला भी वरत्या गया ठीक है सानू हुण भी वरत रहे ने ठीक है, जे सारी जिंदगी साडा अंदोलन नू भी धार्मिक तौर पर वरतण की कोशिश करी गई भी ये सिख ने जी ये हिंदू ने जी उत्थे धरने ते मैनूं ये दसो कौन हिंदू हिंदू सिख बन के गया सी, उत्थे सारे किसान बन के गए सी, सो ये कार्ड खेडदे ने, सो ये कार्डा दे विच मैं सारयां नूं इही कहना साडी सिक्खी दा घाण होया ठीक है, साडे ते साडियां बेअदबियां होईयां ने है ना, साडे ते हमले होए ने पर इह हमलिया नूं असीं लड़के नहीं सुलझा सकदे, इस हमले लई सानूं सोच पक्खों जागरूक होना पैणा भी सानूं नाल खेड कौन रहा है,